गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फार्मिंग एंड ब्लॉगिंग में। एक बार फिर से सेवन्थ ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और आज इसका है डे सेवन। सो आज की इस वीडियो में हम आपको लास्ट बैच का FCR भी बताएंगे और आज ये देखे बैच का सेवन्थ डे, 30 डिग्री रिक्वायर्ड टेम्परेचर है और बिल्कुल फार्म के अंदर 30 डिग्री मेंटेन किया हुआ है और बाहर जो है हमारा टेम्परेचर मॉर्निंग के टाइम में 5 से 6 डिग्री तक का जा रहा है। सो अंदर टेम्परेचर मेंटेन करना काफ़ी चैलेंज है हमारे लिए, लेकिन हम हमारा गैस ब्रूडर भी अच्छा काम कर रहा है, उसके साथ साथ हमारे जो इलेक्ट्रिक ब्रूडर है वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो हमने चारों ओर पैकिंग की है, पैकिंग भी बहुत बढ़िया की है, इससे हमारा टेम्परेचर काफ़ी आसानी से मेंटेन हो जा रहा है। सो दोस्तों, आज हमने इनका फर्स्ट वैक्सीन भी कर दिया है। वैक्सीन के 2-3 घंटे बाद हमने जो है ये चिक्स ड्रिंकर में विटामिन ई और मल्टीविटामिन मिक्स करके हमने लगाया हुआ है, क्योंकि उससे जो है बर्ड जो भी जितना भी स्ट्रेस में रहेगा वैक्सीन के बाद, जितना भी स्ट्रेस में रहेगा वो विटामिन ई उसे रिकवर करने का काम करेगा, जिससे कि वैक्सीन के बाद की मोर्टालिटी भी हमारी कम होती है। तो इसलिए फार्मर भाई से अनुरोध है कि आप विटामिन ई का यूज आप वैक्सीन के 2-3 घंटे बाद आप यूज कर सकते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था कि इस वीडियो में हम आपको लास्ट बैच का FCR बताएंगे, तो लास्ट बैच में हमने 8000 बच्चे लास्ट बैच में भी डाले थे, क्योंकि विंटर में थोड़ा मंडी रेट कम रहता है, इस वजह से हम जो है सेफ साइड चलते हैं। विंटर में हम 8000-9000 ऐसे ही बर्ड डालते हैं, तो इस बैच में भी हमने 8000 डाले। तो लास्ट बैच में जो हमने बॉडी वेट सेल किया था, टोटल वेट हमने जो सेल किया था 176 क्विंटल 68 kg हमने टोटल वेट सेल किया और 540 बैग हमने उनको फीड खिलाया था। तो हमारा जो FCR आ रहा है 1.53 के करीब करीब हमारा FCR आ रहा है, तो करीब करीब 100 क्विंटल माल उसमें हमने 2500 से 2600 ग्राम की बॉडी वेट में सेल किया था और रिमेनिंग हमने 2 kg बॉडी वेट में सेल किया था। सो लास्ट बैच का FCR हमारा 1.53 के करीब करीब आ रहा है, तो बढ़िया रहा और मंडी रेट कम था, लेकिन फिर भी हमारा ओवरऑल रिजल्ट बढ़िया रहा। सो दोस्तों, आज की मेडिसिन हम जस्ट विटामिन ई और मल्टीविटामिन हमने इनको दिया है वैक्सीन के बाद, इसके बाद हम 24 घंटे तक कुछ भी हम इन्हें नहीं देंगे, जस्ट प्लेन वाटर पिलाएंगे और कल हम इसे एंटी 24 घंटे बाद, वैक्सीन के 24 घंटे बाद एंटीबायोटिक की डोज देंगे और तब तक के लिए हम इन्हें कोई मेडिसिन नहीं देने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों, आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर हमारी वीडियोज़ आप लोग को पसंद आती हैं, हमारी वीडियो से आप लोग को कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फार्मिंग एंड ब्लॉगिंग। बाय बाय।